हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। रिसेंटली मैं इस वाले फोटो को पोस्ट किया था इंस्टा पे, तो आप सभी ने काफी कमेंट किया कि भाई इसका ट्यूटोरियल लाओ। ला चुका हूँ आप सभी के लिए प्यारा सा एक ट्यूटोरियल, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोटो को ऑटो डेस्क में शेयर करेंगे और देखिए हमारा फेस काफी रफ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथिंग करेंगे, जिसके लिए मैं देखिए इस वाले ब्रश को यूज करूंगा और इसका सेटिंग देख लीजिए। साइज अपने मुताबिक रख सकते हैं, फॉलो को 5% और स्ट्रेंथ को 8% रखेंगे। फिर अपने फोटो को जूम करेंगे कुछ इस प्रकार से और देखिए अपने ब्रश के साइज को ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, अपने फोटो के एरिया के मुताबिक रखेंगे और काफ़ी मीडियम साइज रखेंगे और उसके बाद से काफ़ी इजीली हमारा फेस स्मूथिंग होगा। देखिए काफ़ी अच्छा हमारा फेस स्मूथिंग हो रहा है और देखिए पेंट करने पे हमारे ब्रश का जो निशान है वो हमारे ब्रश का निशान आ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लेयर ऐसे ही पेंट कर लेते हैं चारों ओर, ठीक है। उसके बाद से उसके ऊपर जस्ट एक और लेयर करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे, तो जो लाइन आ रहा है ब्रश का वो काफ़ी इजीली से मिक्स हो जाएगा और अब देखिए हमारा फेस काफ़ी अच्छा स्मूथिंग हो पा रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने फोटो को काफ़ी इजीली स्मूथिंग कर पाएंगे और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपका जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करूँगा। और अगर आपको फेस स्मूथिंग करना नहीं आता तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो कि हमारे चैनल पर है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हमारा फेस काफ़ी अच्छे से पूरा स्मूथिंग हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने फेस को गोरा करेंगे। उसके लिए लेयर ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग को सॉफ्ट लाइट पे कर देंगे। देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि कलर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से कलर पिकअप को उठाकर अपने फेस का कलर जो है उसको मैचिंग करा लेंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसके लुमिनियस को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, लगभग 90 के प्लस रख लेंगे, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। और अब ब्रश वाले टूल पे चलेंगे और देखिए इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके सेटिंग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके साइज को अप डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद से देखिए हम लोग अपने फोटो को क्या करेंगे, जूम करेंगे और फेस पे कुछ इस प्रकार से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और इसको अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर लेंगे। और जब तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। और अब देखिए हमारे बॉडी पे काफी अच्छे से पूरा पेंट हो चुका है और इसको अप्लाई करने के बाद हमारे देखिए फेस बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो चुका है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसके ऑपेसिटी को थोड़ा और कम कर लेंगे और अब देखिए काफी अच्छा हमारा फेस लग रहा है। फिर से अब क्या करेंगे, हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक और लेयर बनाएंगे और इसके भी ब्लेंडिंग को हम लोग सॉफ्ट लाइट पे कर देंगे। फिर इसके बाद से देखिए हम लोग सेम उसी ब्रश को यूज करेंगे, लेकिन कलर को क्या करेंगे, रेड कलर चूज कर लेंगे और इसको लिप्स पे काफी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और अप्लाई कर लेने के बाद फिर से हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके ऑपेसिटी को कम कर लेंगे, जिससे कि जो हम कलर किए हैं वो काफी अच्छे से लिप्स पे मैच हो जाएगा। और अब देखिए हमारे ऑटो डेस्क में जितना काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करके और अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। गैलरी में शेयर कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग अपने फोटो को शेयर करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे हम लोग जो अपने फोटो का बैकग्राउंड है उसको इरेज करना है। तो देखिए यहाँ पे काफी इजीली अपने फोटो को क्या करेगा, स्कैन कर देगा और उसको जो बैकग्राउंड है उसको काफी इजीली इरेज कर देगा। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और फिर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे और अपने फोटो को सेव कर लेंगे। और अब अपने हम लोग बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेंगे और इस बैकग्राउंड को मैं कैसे एडिट किया हूँ उस पर एक ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और इस बैकग्राउंड का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने फोटो को ऐड कर लेंगे, जिसका बैकग्राउंड अभी इरेज किए थे उस फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे और इसके साइज को पूरा प्रॉपर बड़ा कर देंगे। यहाँ पे काफी आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अपने बैकग्राउंड को मैच करता हूँ। और अब फिर से हम लोग ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने ओरिजिनल फोटो को ऐड कर लेंगे और इसके भी साइज को पूरा प्रॉपर फुल कर लेंगे। और यहाँ पे काफी ध्यान से देखिएगा कैसे बैकग्राउंड मैच कराता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि इरेस वाले टूल पे चलेंगे और यहाँ से ब्रश के साइज को जो है हार्डनेस को 0 कर लेंगे और साइज को 100 कर लेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से ऊपर से काफी इजीली धीरे धीरे पेंट करेंगे और देखिए हमारा पीछे से बैकग्राउंड आता रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है, नीचे का जो एरिया है हमारा पार्ट है फोटो का उसको इरेस नहीं करना है, उसी को हम लोग क्या करेंगे बैकग्राउंड के साथ मैच करा लेंगे और काफी इजीली हमारा जो बैकग्राउंड है मैच हो जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे और देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, जो कि हमको पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि अपने फोटो का हम लोग बैकग्राउंड चेंज किए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने हेयर को स्मूथिंग कैसे करते हैं और लॉन्ग कैसे करते हैं, तो उसके लिए अपने फोटो को हम लोग क्या करेंगे कि ऑटो डेस्क में शेयर कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग अपने हेयर को स्मूथिंग करने के लिए इस वाले ब्रश को यूज करेंगे और इसका सेटिंग देख लीजिए, फॉलो 6% और स्ट्रेंथ 7% और साइज को अपने मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन अपने ब्रश के साइज को हम लोग जितना छोटा रखेंगे उतना ही सही रहेगा हेयर स्मूथिंग करने में। और अब देखिए अपने हेयर पे हम लोग ब्रश को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे,
एक साइड से स्टार्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से खींचेंगे और काफ़ी इजीली हमारा हेयर जो है स्मूथ हो पाएगा और काफ़ी अच्छे से लंबा भी हो पाएगा हमारा हेयर। और इसको आप लोग काफ़ी आराम से कीजिएगा और धीरे धीरे कीजिएगा, जितना ही इसमें आप टाइम देंगे उतना ही आपका बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ और फोटोशूट का भी BTS डालता रहता हूँ और रील्स वगैरह सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ मैं। और ब्रश को देखिए, हम लोग पूरे हेयर पे काफ़ी इजीली से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई कर लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में फिर से एक और लेयर अप्लाई करेंगे जिससे कि अपने हेयर को और भी ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसे हमारा हेयर जो है और लॉन्ग हो जाएगा। और अब जो हमारा हेयर है काफ़ी अच्छा एडिटिंग हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कट मारेंगे अपने हेयर के साइड में। तो इसके लिए हम लोग ब्रश वाले सेक्शन पे चलेंगे और इसी वाले ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और इसके सेटिंग को देख लीजिए, फॉलो को 25 रख लेंगे और स्ट्रेंथ को 32 रख लेंगे। फिर इसके बाद से टूल्स वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से गाइड जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग कर्व वाले को लेकर आएंगे और इसको देखिए कुछ इस प्रकार से रखेंगे। जस्ट इसको स्केल के तौर पर हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कॉपी पे हम लोग लाइन खींचने के लिए स्केल को लेकर खींचते हैं, जस्ट उसी प्रकार इसको भी हम लोग लेकर लाइन को खींचेंगे तो काफ़ी इजीली जिस प्रकार ये रहेगा उसी प्रकार हमारा लाइन जो है काफ़ी इजीली हो पाएगा। और इसको यूज करके देखिए कुछ इस प्रकार से हम कट कर लेंगे, आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे स्टाइल बना सकते हैं, अपने कट को कर सकते हैं। और अब देखिए हमारा जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा फोटो कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम लोग गैलरी में सेव लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।